आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद और बड़े व्यवसायी डीपी यादव को जान से मारने की धमकी मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। डीपी यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। डीपी यादव को दिल्ली पुलिस के एक सहायक आयुक्त ने बताया कि पुलिस ने हाल ही में ही कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान इन अपराधियों ने खुलासा किया है कि वे डीपी यादव की हत्या की योजना बना रहे थे। अभी पिछले दिनों नोएडा में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया है मुझे, जो जानकारी मुझे मिली है, कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या मुझे जान माल का नुकसान पहुंचाने का प्रयास में वो लोग इकट्ठा थे। जितनी जानकारी मुझको मिली है, पहले भी मेरे रास्तों को राजनीतिक उसको रोकने के लिए लोगों ने मेरे परिवार को जान माल का नुकसान पहुंचाया है और मुझे भी ये खतरा लगातार हमेशा बना रहता है। इसलिए मैंने इन षड्यंत्र वालों के खिलाफ और अपनी जान माल की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से अपनी बात कही है और सुरक्षा की मांग की है।